दुनिया का सबसे बेवकूफ तरीन इंसान, बारिश हो रही है और पौधों को पानी दे रहे हैं। शजर भाई बारिश हो रही है, क्या हुआ? बारिश हो रही है, पौधों को पानी क्यों दे रहे हैं? वो सही नहीं हो रहा है, साफ पानी मैंने वाटर रखा है। बारिश का पानी भी साफ ही होता है। एक्चुअली हुआ पता क्या, मैं बता रहा हूँ, हुआ ये कि मेरी शुरू से आदत है, जब भी मैं आता हूँ ना यहाँ पे तो पौधों को पानी जरूर देता हूँ। खवातीनों हजरात, मैं इस वक्त ऑफिस पहुँची हूँ और जिस हालत में मैं ऑफिस पहुँची हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बारिश में बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। इसके आगे मैं जा नहीं सकती वरना मैं जरूर जाके दिखाती। इतना प्यारा मौसम हो रहा है और दिल कर रहा है कि बस रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाए। और लेकिन बारिश में ना हाँ तो सकते नहीं, कुछ कर तो सकते नहीं, तो चलो रिकॉर्डिंग ही हो जाए। लेकिन मैं सबसे पहले पहुंची हूँ ऑफिस हमेशा की तरह और अभी कोई भी नहीं आया हुआ है, सो आई हैव टू वेट। लेकिन आज मैं जल्दी तैयार नहीं होंगी, मैं बारिश एंजॉय करूंगी पहले। इतना खूबसूरत मौसम है और इतना मज़ा आ रहा है, वेदर देख रहे हैं आप। हम तैयार होके बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि बारिश थोड़ी सी कम हो तो ज़रा काम शाम शुरू हो, क्योंकि ऑडियंस भी अभी तक नहीं पहुंची है बारिश की वजह से। ये क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। दुनिया का सबसे बेवकूफ तरीन इंसान, बारिश हो रही है और पौधों को पानी दे रहे हैं। शजर भाई बारिश हो रही है, क्या हुआ? बारिश हो रही है, पौधों को पानी क्यों दे रहे हैं? वो सही नहीं हो रहा है, साफ पानी मैंने वाटर रखा है। बारिश का पानी भी साफ ही होता है। एक्चुअली हुआ पता क्या, मैं बता रहा हूँ, हुआ ये कि मेरी शुरू से आदत है, जब भी मैं आता हूँ ना यहाँ पे तो पौधों को पानी जरूर देता हूँ। तो अच्छा? आज मैं आया तो हूँ। एआरवाई वालों ने आपको माली भी रखा हुआ है? पता नहीं रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा लगा ना वैसे बारिश में पौधों को पानी देता बंदा, कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है वाकई। यार कैसा वैसे एटमॉस्फेयर, कैसे बहुत जबरदस्त। ओह मजा आ रहा है और पूरे डिमांडेड है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। शजर भाई, अच्छा शजर भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं तेरा एंजॉय भी लोगों को दिखाऊं। अच्छा इधर आई साइड में, उसकी वजह ये है नाजरीन कि वहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग। ध्यान से जरा गिरना ना। अच्छा साहब एक बात आपसे मैंने पूछनी थी। वो क्या? वो ये पूछनी थी कि आपको इतना अरसा हो गया यार भाई पे आते हुए, कभी कराची में ऐसा मौसम बना हो और पकौड़े खाने गई हो कभी? कराची में बहुत बारिशें होती थी। लोग ये कहते हैं कि कराची में बारिश नहीं होती, लेकिन जब होती है तो फिर कई कई दिन होती रहती है और कराची का बुरा हाल हो जाता है। तो मैंने कराची की बारिशों को बहुत एंजॉय किया हुआ। पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ, जो कुछ आप बारिश में खा सकते हैं मैंने वो सब खाया। और आज मैंने पता क्या खाया? क्या? डोनट्स और पकौड़े। थैंक्स टू यू, और डोनट्स भी आ गए थे। ओ अल्लाह, कसम से तेरी बातें सुन, मेरे जूते बहुत गंदे हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा दिखाओ। ये देखिए ना नीचे कितनी मिट्टी है, घस रहे हैं अंदर। अच्छा इस सब बात पता क्या है? वाओ यार, व्हाट आर वो, क्या कहते हैं मौसम को इंग्लिश में? वेदर। व्हाट आर वेदर, कितना अच्छा वेदर लग रहा है। और अच्छा सब इसके अलावा कभी एंजॉय करने गई हो? कहाँ? नॉर्दर्न एरिया में। नॉर्दर्न एरियाज में मैंने बहुत एंजॉय किया हाँ, लेकिन मैं कभी वो हुंजा वुंजा वाली साइड पे नहीं गई। तो उधर मैंने इंशाल्लाह जरूर जाने। और आपको तो पता है आप नहीं जा सकते क्योंकि यू आर टाड़ी प्रो मैक्स। तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अच्छा अच्छा ये भी कोई आया है और इतनी बारिश में आ गए हैं। ये हमारे ढार आ रहे हैं मालिक की रहमत से, म्यूजिशियन है यूसुफ भाई। कैसे हैं आप? ऐसे तो कहते हैं म्यूजिशियन को बहुत ठंड लगती है, आपको देख के मुझे लग रहा है कि बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मजा ले रहे हैं हम तो, बारिश का बहुत मजा लेते हैं, हमारा नाम ही बदनाम है बस। और अच्छा अच्छा सेकंड भाई आए, इनसे भी जरा हेलो भाई। जी कहते हैं कि म्यूजिशियन को बहुत सर्दी लगती है लेकिन आप काफी एंजॉय कर रहे हैं बारिश में। मैं तो क्या बारिश लग रही है। ये एक्चुअली ना गर्म गाड़ी में आए हैं, ये 10 मिनट अंदर स्टूडियो से रहने लग समझ जानी। नहीं तो वीडियो तो मैंने काफी एंजॉय कर लिया। शजर भाई आपको ठंड लग जाएगी। अच्छा तो वीडियो एडिट करोगी ना यारो, पानी वाली ना लाइन बोली। मैं तो वैसे मेरी आदत है कि यार सुबह सुबह आता हूँ मैं। सुबह सुबह क्या मतलब है, ये तो मैं लोगों को दिखाऊंगी कि बारिश हो रही है और आप सभी पौधों को पानी दे रहे हैं।
मेरा ख्याल है कि अब हम अंदर चले नहीं तो हमें ठंड लग जाएगी। अंदर ना ताड़ी बाहर ना हो।